बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस केक की रेसिपी, जिसमें ना तो कुकिंग है और ना ही बेकिंग। बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी को बनाने की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक बोल ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम, जो कि हम डाल रहे हैं 250 ml, मतलब कि एक कप। बिल्कुल चिल्ड फ्रिज में रखी हुई ये व्हिपिंग क्रीम है। अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम बीट कर लेंगे। तो बीटर की मदद से हम इसको बीट कर रहे हैं मीडियम स्पीड पे, जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाते। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं कोई कंडेंस मिल्क का या फिर शुगर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी व्हिपिंग क्रीम में शुगर मौजूद होती है। तो इस व्हिपिंग क्रीम को आपने मीडियम स्पीड पे बीट करना है। और ये देखें, अभी इसमें सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं, लेकिन इसको हमने मज़ीद और बीट करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। तो इसको कंटिन्यूस चलाते जाएंगे और स्टिफ पीक्स आने तक हम इसको बीट करेंगे। तो ये देखें, ऑलमोस्ट इसमें आ चुके हैं स्टिफ पीक्स, तो इसको मैंने बंद कर दिया है। अब इस तैयार की हुई व्हिपिंग क्रीम को हम पैकिंग बैग में निकाल लेंगे। इस व्हिपिंग क्रीम में मैंने ना तो शुगर का इस्तेमाल किया है ना तो कंडेंस मिल्क का, क्योंकि इस व्हिपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर मौजूद थी। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम में शुगर ना हो तो आप कंडेंस मिल्क का या फिर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको साइड में कर देते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने लेडी फिंगर्स का 200 ग्राम का पैकेट ले लिया है, और इसमें जितनी इस्तेमाल होंगी उतनी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें कितनी इस्तेमाल की हैं। ये हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है तो आप बना सकते हैं। एक कप दूध लिया है जो कि बिल्कुल ठंडा है। एक एक लेडी फिंगर्स को डालते जाएंगे इस दूध में, हल्का सा डिप करेंगे, बहुत ज़्यादा डिप नहीं करेंगे। अब यहाँ काउंटर पे मैंने ऑलरेडी सीलिंग शीट को लगा के लाइनअप किया हुआ है, और एक एक लेडी फिंगर को इस तरह से रखेंगे और एक के ऊपर इस तरह से रख दी है मैंने। यहाँ हम स्विस रोल वाला लुक देंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने लगा दी हैं। और इस केक डेजर्ट में मैंने 18 लेडी फिंगर्स का इस्तेमाल किया है, और ये जो व्हिपिंग क्रीम है इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब पाइपिंग बैग की मदद से लेडी फिंगर के ऊपर हम एक लेयर लगा देंगे इस क्रीम की। ये जो हमने लेडी फिंगर को हल्का हल्का सा सोक किया है, ये बहुत ही हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको डिप नहीं करना, वरना तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने क्रीम लगा दी है, थोड़ी सी मैंने बचा ली है ऊपर के लिए। अब इसको हमें स्प्रेड आउट कर देंगे इस तरह से। तो ये टोटल जो है वो तकरीबन 4 इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी है, जो कि काफ़ी इजी और सिंपल सी है। और इस तरह से अब आपको जो मर्ज़ी हो फ्रूट लगाने हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंगो आ रहे हैं आजकल, मैंगो रख सकते हैं। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी फ्रोज़न, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में हम इस तरह से लेयर लगा देंगे। अब इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया है हल्के हाथों से। तो देखें, एक हिस्से को मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया और दूसरे हिस्से को इस तरह से रख के इसको मैंने हल्का सा चिपका दिया है। और अब हम इस पूरी सीलिंग शीट को कर देंगे इसके साथ रोल। और ये देखें, साइडों से मैंने इसको सील कर दिया है। ये बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है, तो मैं इसको रख रही हूँ फ्रीज़र में सिर्फ 2 घंटे के लिए। फ्रिज में हो तो 6 से 7 घंटे के लिए रखिएगा सेट होने के लिए। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ इसका लुक। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें, बटर पेपर के साथ मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया था बहुत अच्छे से, और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा है 2 घंटे के लिए। और अब हम इसका आगे का स्टेप कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल सेट हो गया है। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे व्हिपिंग क्रीम और इसको कवर कर देंगे व्हिपिंग क्रीम के साथ। तो इसको मैंने कवर कर दिया है व्हिपिंग क्रीम के साथ। इसको इमली स्प्रेड आउट कर देंगे इस तरह से। तो व्हिपिंग क्रीम को मैंने इस तरह से रफली सा थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दिया है। अब इसको जैसे चाहें कर लें डेकोरेट। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डाल रही हूँ ग्रेट की हुई चॉकलेट, जो कि मिल्क चॉकलेट है। ये बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। अब मैं दिखा देती हूँ उसको काट के। तो ये देखिए, खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन के साथ ये बन गया है, और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटर में। तो खूबसूरत से प्रेजेंटेशन के साथ ये मज़ेदार सा मेहनत के बगैर केक डेजर्ट बनके तैयार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना बेहतरीन सा बन चुका है। तो ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको इंजॉय कीजिए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर मेरे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।